नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन में सरपंच ने जिला पंचायत सीईओ से की शिकायत। ग्राम पंचायत भरतीपुर के सरपंच हरदयाल ने रोजगार सहायक भूपत सिंह धाकड़ पर फर्जी सील एवं साइन कर बिल लगाए जाने का आरोप लगाते हुए जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा से लिखित शिकायत की है। सरपंच द्वारा रोजगार सहायक पर लगाए गए आरोपों के संबंध में जिला जनपद सीईओ पीसी शर्मा का कहना है कि सरपंच की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रोजगार सहायक भूपत सिंह को जनपद बाड़ी में अटैच किया गया है तथा मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर रोजगार सहायक पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं सरपंच द्वारा रोजगार सहायक पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। ब्रजेश ठाकुर की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? मैं हरदयाल अहरवार बोल रहा हूँ, ग्राम पंचायत भरतीपुर से वर्तमान में सरपंच हूँ। आपने शिकायत की है? हाँ, मेरा ग्राम पंचायत भरतीपुर से रोजगार सहायक है भूपत सिंह धाकड़, जिसने कूप निर्माण और खेल मैदान के जो बिल जो लगाए हैं उन पर फर्जी सील लगाकर बिल को पास करवा लिया गया है, मतलब राशि निकाल ली गई है जी, लगभग 15 लाख के समथिंग जो राशि है जी। इसमें से आपने किसी से शिकायत? मैंने जनपद सीईओ साहब को मैंने शिकायत करी है। मैं मान लीजिए 14 अगस्त 2021 को की थी पर, लेकिन मैं दोबारा से मैं फिर जनपद सीईओ साहब के पास आया तो उन्होंने अभी तक मैंने पूछा क्या कार्रवाई की, तो उन्होंने कहा अब कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद में मैंने 31 अगस्त 2021 को फिर मैंने आवेदन सीईओ साहब को किया, फिर पुनः उसका कोई हल नहीं निकला, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जनपद पंचायत द्वारा।